हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान की क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ जो एनटीए के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर का मीडियम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, सैंपल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे उनके मॉडल पेपर को भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी तरह के वीडियोस में उन क्वेश्चंस को आपके साथ जरूर डिस्कस कर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह का कौन सी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, जिसमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये चार यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनके लिए, इनमें पीएचडी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो बिल्कुल एनटीए जैसे आपका नेट का टेस्ट कराता है वैसे ही होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा और नेट वाला सिलेबस ही इसमें चलेगा। अब इसमें मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। यहाँ पे इंग्लिश सिर्फ इसलिए लिखा हुआ कि ये नोटिफिकेशन पहले का था, उसके बाद में इसमें चेंज कर दिया गया था। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा 100 एमसीक्यू आएंगे, यानी कि इसमें दो सेक्शन में पेपर होगा। एक पेपर 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो भी आपका ये सब्जेक्ट है, अब आपका क्या सब्जेक्ट है वो आपको इस लिस्ट में से आपने ऑलरेडी चूज किया होगा, उस लिस्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारा आज का वीडियो बनाने का मोटिव है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह के और भी आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये पीएचडी का एग्जाम है और ये पेपर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। तो आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन मैथड इज नॉट नॉर्मली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इनमें से कौन सा आंकड़ा संग्रहण विधियों का प्रयोग सामान्यतः गुणात्मक शोध में नहीं किया जाता है। ठीक है, जब हम शोध करते हैं तो हमारे साथ में दो मोटिव, दो बिल्कुल क्लियर डायमेंशन होती है कि हम इसे क्वालिटेटिव करना चाहते हैं या क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं, गुणात्मक या मात्रात्मक। तो ये पूछ रहा है कि जब डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं और हम गुणात्मक तरीका हमने यूज किया है रिसर्च में, तो इनमें से हम कौन सा नहीं लेंगे। तो पार्टिसिपेंट होता है, फोकस ग्रुप होता है, क्वेश्चन आयर का यूज ज्यादातर हम किस में करते हैं, इसको हम मात्रात्मक विधि में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन आयर या प्रश्नावली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पर, एक हाइपोथीसिस है, एक परिकल्पना है जिसमें दो स्थितियां, समूह, परिणाम या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे। जब भी हम नल हाइपोथीसिस बनाते हैं तब हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि नल हाइपोथेसिस बनाने में हमेशा यही बात कही जाती है कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमें हमेशा अंतर नहीं होने को बताती है। तो इस तरह से जो सही आंसर होगा वो होगा शून्य परिकल्पना। अब आपको करना क्या है, आपको अल्टरनेटिव का भी पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव का भी पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल का भी पता होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं हमें उनके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच काइंड ऑफ रिसर्च एनालिसिस ऑफ डेटा इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसे गुणात्मक। तो गुणात्मक में क्या होता है कि हम यहाँ पे जब डेटा कलेक्ट कर ऑन गोइंग प्रोसेस में डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये एक क्वालिटेटिव में ये ऑन गोइंग प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। सो राइट आंसर होगा इसका क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वॉट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। जो अंतर विषयक शोध होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि जब हम पूरी समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए रिसर्च करते हैं तब वहां पे हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है, इतना आपको अपने आप पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज इसको पता जरूर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कंसीडर एज अ क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो गुणात्मक शोध के प्रतिमान में कौन सी योजना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो गुणात्मक जो शोध है, यहाँ पर हम डेटा जो कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, प्रदत्तों का जो संग्रहण है वो अनुभवजन साक्ष्यों का उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता से यहाँ पर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि डेटा कलेक्शन करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, और जिसमें हमें हमारा जो एक्सपीरियंस हमको है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये डेटा जो है कैसा है, गुणात्मक है। तो जब हम किसी की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। सो राइट आंसर इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पैरामीटर इंडिकेटर्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राचल किस की विशेषताओं को दर्शाता है। तो प्राचल का पैरामीटर का मतलब होता है जिसमें से हम रिसर्च के लिए डेटा लेते हैं। तो पॉपुलेशन पैरामीटर इंडिकेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस ग्रुप में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उन लोगों की जो संख्या है, जो जनसंख्या है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सो राइट आंसर इसका होगा पॉपुलेशन। अब सैंपल का भी आपको पता होना चाहिए, बाकी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। तो रिसर्च जर्नल का क्या है? तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है उसे हम शोध पत्रिका की गुणवत्ता के रूप में जानते हैं। तो देखिए, रिसर्च है और वो भी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हमारे देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए हैं, तो हल्के क्वेश्चंस एकदम नहीं आएंगे। एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, कोई बहुत बच्चे वाले प्रश्न आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अगला देखिए, द सैम्पलिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन रिसर्च सिस्टम ऑफ रेस्पोंडेंट इज नॉन एज। तो हम यहाँ पर उत्तरदाताओं के संदर्भ में प्रणाली पर आधारित प्रतिचयन तकनीक को किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम गाइस स्नोबॉल प्रतिचयन के रूप में जानते हैं। स्नोबॉल मतलब क्या होता है कि जैसे हम रिसर्च करना चाहते हैं कि ये वाली मेडिसिन कौन कौन यूज करता है, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का नाम बताएगा, फिर वो डॉक्टर कुछ मरीजों का नाम बताएगा, तो एक चेन सी बनती चली जाएगी, जिसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। तो इसी तरह के गाइज क्वेश्चन आएंगे, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, आई विल शो यू। कुछ क्वेश्चन देखिए इस तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च को हम यहाँ पर ज्ञान की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ प्योर लोकल रिसर्च, शुद्ध स्थानीय शोध को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च कैन डू इन, अब आपको क्या करना है, आपको सपोज हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सारे क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस हैं उनको तैयार कर सकते हैं। सो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरे पेपर को सॉल्व कराऊं, तो जस्ट लेट मी नो, मैं इस वीडियो का एक सीरीज निकाल देती हूँ स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। और आपका अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप प्लीज हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम पे मैं आपको, जो मेरा ये ग्रुप है इसमें देख लीजिए, इस ग्रुप में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी रहेंगे पेपर मेरे पास है, मैं डाउनलोड करके और मेरे पास जो कलेक्शन है उससे मैं आपके सब्जेक्ट के पेपर को सेंड कर दूंगी। आपको जस्ट मुझे बताना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट का रिसर्च पेपर चाहिए, स्पेशली ओनली पीएचडी एंट्रेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है गाइस। सो ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी के साथ, जिससे सभी का भला हो सके। तो ये स्पेशल सीरीज चलेगी आपका सिर्फ डीयू जेएनयू बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। हाँ, ये नेट के एग्जाम में जो रिसर्च का पोर्शन आता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।